नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? देसी किचन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी, और हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। जिसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले और दो मीडियम साइज प्याज लिए हैं और पांच हरी मिर्च और ये लहसुन, पूरी लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा अदरक है। तो करेले को हमने ऐसे पहले देखिए ऐसे ऊपर से थोड़ा सा साफ कर लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा साफ कर लेना है ऊपर से। तो ऐसे हम बनाएंगे करेले की सब्जी। चलो फिर करेले की सब्जी बनाना करते हैं स्टार्ट। ऐसे इसको काट लेना है गोल, देख लेना अगर बीज है तो ऐसे, फिर इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए आप बीज निकालने हैं ना, क्योंकि बीच में बीज अच्छे नहीं लगते, ऐसे निकाल लेने हैं बीज सारे। तो फिर हम इसको ऐसे काट देंगे, देखिए। तो देखिए करेले को मैंने काट कर अच्छी तरह नमक लगाकर धो लिया है, और ये जो प्याज अदरक था और हरी मिर्च और लहसुन ये मैंने काट के रख लिए हैं धोकर सभी। और इसमें कुछ और भी मैं डाल रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा पनीर है 200 ग्राम ये मैंने लिया है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा इसमें, तो अच्छे बनेंगे इससे पनीर से करेले। और ये भी डाल रही हूँ मैं बीच में। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल, जैसे सभी सब्जियों में मैं डालती हूँ, अच्छा रहता है ये। करेले में तो वैसे भी मस्टर्ड ऑयल ही पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि करेले को फ्राई करना है इसमें। इसको होने देंगे अच्छी तरह गरम। जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम तीन लाल टमाटर काट लेते हैं, वो भी डालेंगे तड़के में। तेल हमारा हो चुका है गरम, गैस को मैंने लो कर दिया है बिल्कुल, और अब हम इसको धीरे से करेले को डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह ब्राउन होने देंगे थोड़ा। अब ये गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसको जब फ्राई कर रहे थे 6 से 7 मिनट इसको लग गए हैं, इतना ही टाइम लगेगा इसको। और देखिए गोल्डन हो चुके हैं ये, गैस को बंद कर देंगे थोड़ी देर। तो अब हम पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, लो हीट पर इसको फ्राई करेंगे हम। देखिए आप 2 से 3 मिनट हो गए और पनीर ऐसा हो जाएगा, फिर इसको बंद कर देंगे हम। तो अब हम तड़का तैयार करेंगे। तेल ज्यादा था, मैंने निकाल लिया है इसको अलग से, ज्यादा था ना तेल, निकाल लिया मैंने। और अब हम इसमें डालेंगे ये सारा तड़का, हम इसमें ही भून लेंगे अच्छी तरह। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज देखिए गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप जितना तीखा पसंद करते हैं डाल सकते हैं, और ये काली मिर्च, धनिया पाउडर, और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी, मुझे बहुत पसंद है ये। इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे, अच्छी तरह से मसाले वगैरह ये भून जाए अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे।
ये मसाला था जो अब हमारा तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें करेले और पनीर को एक साथ ही डाल देंगे। देखिए ऐसे हम डाल देंगे इसको एक साथ ही। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। देखिए अब तेल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तेल आप कम ही डालें क्योंकि ज्यादा तेल अगर होगा तो फिर वो सब्जी अच्छी भी नहीं लगेगी और हमारे शरीर के लिए भी वो अच्छा नहीं है ज्यादा तेल। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का, तो आप भी घर पे बनाएं और इसे ट्राई करें। बहुत अच्छी बनी है सब्जी। कलर भी काफी अच्छा आया है सब्जी पे। तो देखिए जी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो आप बताइए कैसी लगी आपको आज की वीडियो। तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।